और खबरें अब विस्तार से। देश में पहली बार एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश के भोपाल में हिंदी की 3 किताबों का यानी कि पुस्तकों का विमोचन किया है। उन्होंने कहा कि ये क्षण देश में शिक्षा के क्षेत्र में पुनर्निर्माण का क्षण है। उन्होंने कहा कि पहले मेडिकल की शिक्षा हिंदी में शुरू करके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मोदी की इच्छा को पूरा किया है। देश भर में 8 भाषाओं में पढ़ाई हो रही है। यूजी नीट देश की 22 भाषाओं में हो रही है। 10 राज्य इंजीनियरिंग की पढ़ाई मातृभाषा में करवा रहे हैं। शाह ने कहा कि मेडिकल इंजीनियरिंग में जो मातृभाषा के समर्थक है उनके लिए आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण है। अब हमें अपनी मातृभाषा में शिक्षा मिलेगी। मध्य प्रदेश का जब चुनाव हो रहा था तब घोषणा पत्र के भीतर इस बात का जिक्र था। मोदी जी का नई शिक्षा नीति का सबसे पहले मध्य प्रदेश ने जमीन पर उतारा है। आज यह नई शुरुआत कर रहा है। इसके लिए हिंदी प्रकोष्ठ का गठन हुआ है। कर रहे हैं, आइए और आप इसमें अपनी भागीदारी निश्चित करें। माननीय मुख्य देश में शिक्षा क्षेत्र के पुनर्जागरण का क्षण है। एक क्षण देश में शिक्षा क्षेत्र के पुनर्निर्माण का क्षण। मैं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देश भर के विद्यार्थियों की ओर से देता हूं कि नई शिक्षा नीति में उन्होंने प्राथमिक शिक्षा में और टेक्निकल और मेडिकल एजुकेशन में बच्चे की मातृभाषा को अहमियत देकर बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक निर्णय किया है। मोदी जी ने हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयाली, गुजराती, बंगाली ये सभी भाषाओं में मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा उपलब्ध कराने का जो आह्वान किया, मुझे आज गर्व होता है कि भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह सरकार ने देश में सबसे पहले मेडिकल की शिक्षा हिंदी में शुरू करकर मोदी जी की इच्छा की पूर्ति की।